जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान रऊफ और मैं शोबे के लिहाज से प्रोफेशन के हिसाब से एक मीडिया पर्सन हूँ। बिज़नेस एक ओपन किया जिसका नाम है कराची नली बिरयानी, तो एज़ अ ओनर कराची नली बिरयानी। अच्छा, ये आइडिया इसीलिए आया कि मीडिया के हवाले से कराची में एक चैनल, प्राइवेट चैनल के हवाले से उधर काम कर रहा था। उधर काम कर मैंने 2 साल कराची में भी गुजारे, तो वहाँ बिरयानी का मैं काफ़ी शौकीन हूँ खुद भी, तो वहीं से हम लोग खाते थे कराची में। तो वहाँ बिरयानी तो हम यहाँ खाता था मैं, लेकिन वहाँ नली बिरयानी उधर रश होती थी, 1-1 घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ता था। मैंने कहा यार ये बिज़नेस है, ये कमाल है। तो MBA मैंने किया हुआ था, तो मैंने कहा क्यों नहीं बिज़नेस ट्राई किया जाए। तो मैंने हालात का मुकाबला करते हुए ट्राई किया बिज़नेस, और मुझे पता था कि पाकिस्तान के लोग फूडी लोग हैं और पेशावर के लोग स्पेशली खाने पीने को काफ़ी पसंद करते हैं। मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं, अपना बिज़नेस ओपन करते हैं। तो मैंने मीडिया से खैराबाद ली और बिल्कुल अपने बिज़नेस पे फोकस किया, मज़ीद काम करने, अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 साल और देना है। फिर ऑफ़र्स बहुत आ रही हैं मेरा डिफरेंट, पहले फुल KPK में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ब्रांचेज ओपन होंगी, फिर मर्दान, स्वाद, स्वाबी, हर जगह पर इंशाल्लाह इसकी ब्रांचेज होंगी। अब भी मीडिया से वाबस्ता हूँ, लेकिन अब परमानेंटली नहीं करता, यानी एज ए एम्प्लॉय के तौर पे नहीं, यानी एज अ फ्रीलांस के तौर पे एज अ एक्टर और एज अ होस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, सदर ममनून हुसैन साहब थे, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया हुआ PTV से थिएटर। तो मुझे कहते थे कि अब तुम ये काम करोगे बिरयानी ढाल को, तो मैंने कहा करूँगा, तो अपना काम, इसमें शर्म क्या है। अगर आप अपने अंदर एक शर्म ख़त्म कर दें, किसी काम को छोटा बड़ा ना समझें, तो बड़े बड़े जो काम हैं वो छोटे छोटे स्टार्टअप से ही आए हैं। ये दिमाग अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत चीज़ दी, अगर आप इसको सही टाइम पे सही जगह पे लगाओगे, यकीन करो पैसा कमाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपकी मेहनत है, लगन है। और अभी भी पेशावर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, जितने भी यूथ हैं, कोई भी अगर एक बंदा भी उससे कुछ सीख ले, तो मैं समझूंगा कि मैं यानी कामयाब हो गया। अगर आप में टैलेंट है, मैं आपको बताता हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप सीखो, काम सीखो, इंटर्नशिप करो। अगर आप में टैलेंट है और आप समझते हो कि यार यू कैन डू ना, तो सिंपल बात है भाई, आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीलॉग्स बनाना शुरू करो, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, डिफरेंट स्टोरी कवर करो। इतना बड़ी बात नहीं है, एक स्टोरी कवर करना, पैकेजेस बनाना, शॉर्ट्स लेना, स्टोरीज बनाना, ये आप सीख लो। आपके कैमरा वर्क कैसे होता है, ठीक है, आप वॉइस ओवर कैसे लगा सकते हो। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म सबके लिए। अगर आप में टैलेंट है तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, आप इसे यूज़ करें। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल आपके पीछे भागेगा, तो अपनी एजुकेशन को सही मानों में इस्तेमाल करना सीखो। मैंने अपनी पोस्टिंग खुद ही की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, उसमें मेरे कोई पैसे नहीं लगे, मुझे ऑलरेडी आता था ये काम। तो यही मैं कहता हूँ, अगर आपको अपना काम आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से करो। 2021 में टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नूर हुसैन नूरी है, पाकिस्तान टेलीविज़न, खैबर टेलीविज़न, और रिसेंटली मैं अभी जियो टेलीविज़न के लिए एक शूट करके आया हूँ प्ले देख तमाशा है ज़िंदगी, जो रिसेंटली मार्च से ऑन एयर होगी। नुमान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा प्यारा एक्टर है, इसमें बहुत कमाल की बातें हैं। इस लड़के में हमेशा जस्तजू कुछ करने की रही है, ये चाहता था कि मैं किसी कैसे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ मुझे ग़ुलामी भी ना करनी पड़े और मैं अपने ही बेस पर ऊपर आऊँ। लेकिन मैं इसको एक एक ही बात बार बार करता था कि भाई सब कुछ करो, शौक अपनी जगह है, लेकिन अपनी बेस बनाओ, अपना बिज़नेस बनाओ, फिर उसके बाद आप उससे निकलकर आप जो करना चाहते हो करो। तो जो लोग काम करना चाहते हैं भाई मेरे, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करें। कहते हैं ना कि नौकरी जो है वो एक बंदे को पालती है और बिज़नेस जो है वो आपके पूरे ख़ानदान को पालता है।